जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी कोविड से बचाव के लिए अगर वैक्सीन लगवा ली है, वैक्सीनेशन अगर आपने करा लिया है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ट्रैवल्स के लिए या पर्सनल आपकी ज़रूरतों के लिए आपको वैक्सीन के सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो दोस्तों इस तरीके से करें आप अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल पर गूगल खोलना है और गूगल पर आपको लिखना है कोविन। कोविन लिखने के बाद जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, पहला ही ऑप्शन यहां पर कोविन का आ जाता है। इस पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और एक नया पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके का पेज खुलकर आएगा और आप यहां पर यहां से रजिस्टर और साइन इन पर ओके करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप अपने लिए कोई स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आप ओके करेंगे, यहाँ से स्लॉट बुक कर सकते हैं। हमें सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, उसके लिए ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ ओके करें। उसके बाद दोस्तों इस तरीके का पेज आएगा, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है खाली जगह पर यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गेट ओटीपी पर ओके करें। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा जो कि यहां पर 180 सेकंड के अंदर आपको ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे आप देख रहे होंगे वेरीफाई एंड प्रोसीड ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर ओके करेंगे। अब आपने जो भी सर्टिफिकेट आपको यहां से डाउनलोड करना है, आपने जो भी वैक्सीन लगवाई है, वो आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। और जो भी वैक्सीन आपको लगी है उसकी पूरी डिटेल्स आप यहां पर देख पाएंगे, कौन सी वैक्सीन लगी है, आपके नंबर से कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, वो डिटेल भी आप यहां पर पूरी तरह से देख सकते हैं। आप कोई भी एक नाम इसमें से सेलेक्ट करिए। अगर आपने किसी ने एक केवल एक व्यक्ति ने लगवाई है तो एक ही नाम आएगा। आपके कॉन्टैक्ट नंबर से अगर कोई और व्यक्ति रजिस्टर्ड है उसका नाम भी यहाँ पर आएगा। अब जिसका भी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर फर्स्ट डोज है तो आप फर्स्ट डोज पे यहाँ पे शो सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, जैसा कि यहाँ पर डोज सेकंड पर आ रहा है। अब यहाँ दोनों डोज लग चुकी हैं तो दोनों डोज के लिए नीचे जो ऑप्शन आ रहा है शो सर्टिफिकेट, आप यहाँ पर ओके करेंगे। यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप डाउनलोड पर ओके कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा और इस तरीके से एक नया ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए। अगर आपने सर्टिफिकेट पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो आप यहां पर ओके करके उसको खोल सकते हैं। अगर पहले से डाउनलोड नहीं किया हुआ है तब आप नीचे जो ऑप्शन आ रहा है यहां पर डाउनलोड पर ओके करेंगे और एक सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और आपसे ये बोल देगा जिस तरीके से आप पीडीएफ में खोलना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में खोलना चाहते हैं, इस तरीके से सर्टिफिकेट खुलकर आपके सामने आ जाता है। ये पूरा सर्टिफिकेट आ गया है। अब आप चाहें तो भविष्य के लिए इसको शेयर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से शेयर कर सकते हैं और इसको किसी दूसरे मोबाइल पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिए कोई भी नंबर, वहाँ से आप इसको बार बार खोल पाएंगे आराम से, जब चाहे तब आप दोबारा इसको यहाँ से खोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस प्रकार की नई नई वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो नई अपलोड होगी वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।